डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर से आज हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करूंगा। हेपेटाइटिस, जैसा कि जो मैंने ये आज टॉपिक लिया है, ये सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को मैंने इस तरह से बनाया है कि ये जो स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और एमएससी प्रीवियस फाइनल सभी के लिए यूजफुल है, और इसको बड़ा ही इजी मैनर में पब्लिक के लिए भी ये काफी यूजफुल है। तो फैकल्टी मेंबर्स और जो भी इसको यूट्यूब पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एजुकेटिंग लेक्चर है। और इसके बारे में एक्चुअली, चूंकि ये बड़ा लेक्चर होने की वजह से मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है, तो अगर आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस एक टेक्निकल बायोलॉजी का टर्म है, तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेपेटिक सेल्स का मतलब है सेल्स विच बिलोंग्स टू लिवर। लिवर एक हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को शरीर में परफॉर्म करता है, और ये जो है बहुत स्ट्रांग ऑर्गन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, या जो लोग साइंस के नहीं है या बायोलॉजी के नहीं है, इतना स्ट्रांग होता है कि यदि ये 40% भी काम करता है तो आदमी जिंदा रह सकता है काफी सालों तक। तो जैसा हमारे एक सेलिब्रिटी हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनका लिवर जो है 40% काम कर रहा है। लेकिन यदि वो उन्होंने एहतियात लिया है, और जब वो एक बार किसी फिल्म की शूटिंग में बीमार पड़े थे, तो उस टाइम उनको गलत ब्लड या इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिससे उनको हेपेटाइटिस यानी लिवर से रिलेटेड रोग हो गया था, जिसको हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो उनका 40% लिवर ही काम कर रहा है। तो लेकिन इसके बाद भी एहतियात अगर बरते हैं तो ये यानी इससे बीमारी होने के बावजूद भी, या लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो आदमी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पार्ट है हेपेटाइटिस का, इस लेक्चर में पहला पार्ट है। हेपेटाइटिस कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिवर, इट अकर्स ड्यू टू ए वायरल इन्फेक्शन। जनरली क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस एक स्टेट है लिवर की, जिसमें लिवर में डिफेक्ट या उसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है लिवर सेल्स में, तो ये नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इस कंडीशन को हिपेटाइटिस कहते हैं। इट कैन कॉज बाई अदर फैक्टर, दीज आर ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस एंड हिपेटाइटिस दैट अकर एज ए सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, ड्रग, टॉक्सिन एंड एल्कोहल। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ऑटो इम्यून एक डिसीज होती है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके खुद के ऑर्गन्स के अंगेंस्ट में, उनके विरुद्ध में एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। तो इसी तरह से एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि ऑटो इम्यून डिसीज में एंटीबॉडीज लिवर को ही डैमेज करना शुरू करती है या उनके विरुद्ध काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो है हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून डिसीज के कारण भी डेवलप हो सकता है। दूसरे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सेकेंडरी रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं, मेडिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, एल्कोहल है। यदि आप एक्सेसिव मेडिसिन्स ले रहे हैं, अनावश्यक रूप से ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लिवर पर इफेक्ट करती हैं, तो अगर वो लॉन्ग रन तक या लंबे समय तक आप लेते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इज ए डिसीज दैट अकर व्हेन योर बॉडी मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट योर लिवर टिश्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिसीज में आपका इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडी डेवलप करता है। अब हमें यहाँ आगे जानने से पहले कि हेपेटाइटिस होता क्या है, पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज लिवर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिवर। तो ह्यूमन लिवर इज लोकेटेड इन द राइट अपर एरिया ऑफ एब्डोमिन। ये जो जो अपर एरिया होता है एब्डोमिन का, वहां पर लोकेटेड होता है। लिवर परफॉर्म मैनी क्रिटिकल फंक्शंस दैट ऑल्टर मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग, यानी ये केवल एक फंक्शन नहीं करता है। लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जैसे कहना चाहिए मेन फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं। तो इनमें से कुछ है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन।
जैसे इसमें मेन जो फंक्शन है वो बाइल का प्रोडक्शन करना है, जो कि डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं वो शुरुआती पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बाइल का प्रोडक्शन लिवर के द्वारा होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी। दूसरा चीज ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जाते हैं खाते हैं जो कुछ टॉक्सिन्स पैदा करती हैं, मेडिसिन्स लेते हैं जो टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। कुछ ऐसी भी जिसे कहना चाहिए चीजें होती हैं जो टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। टॉक्सिन्स का मतलब होता है विषैली चीजें होती हैं जो अगर वो बॉडी में रिटेन कर जाती हैं तो दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू दी बॉडी, हार्म, दे कैन बी हार्मफुल टू दी बॉडी। तो उनको क्या है, फिल्टर करने का काम भी लिवर करता है। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ ब्लूरबिन। जैसे ब्लूरबिन है उसके एक्सक्रीशन के लिए भी लिवर लिवर जो है वो जिम्मेदार होता है। फंक्शन ऑफ लिवर, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम फूड लेते हैं तो फूड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं, तो इनके ब्रेकडाउन के लिए भी लिवर का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनको ब्रेक करके एक सिंपलर फॉर्म में लाना होता है जिससे कि वो जिसे कहना चाहिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम विच आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एसेंशियल टू बॉडी फंक्शंस। ऐसे एंजाइम्स का एक्टिवेट करना है जो कि प्रोटीन्स होते हैं जिससे उनके वेरियस फंक्शंस होते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे हम फूड में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में लिवर में स्टोर रहता है। एज एंड वेन, जब वो कभी भी जरूरी होता है, ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है या ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा होता है तो ब्रेक होकर वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से ही देखा जाए तो मिनरल्स एंड विटामिन्स का भी स्टोरेज रहता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन सच एज एल्बुमिन, और जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन है और दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं उनका भी सिंथेसिस लिवर के द्वारा किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है जैसे कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड जो है ब्लड का रिसाव शुरू हो जाता है और उसको क्लॉटिंग के द्वारा बंद हो जाता है, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो भी ब्लड के द्वारा सिंथेसाइज या बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम 5 टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अब एक्चुअल में हम यहाँ ये इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो हिपेटाइटिस है, जो लिवर से रिलेटेड बीमारी है, वो किसकी वजह से होती है। तो मेनली जो वायरस है इसके द्वारा ये होती है। तो जो 5 टाइप ऑफ वायरल डिसीज है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर दैट आर क्लासिफाइड एज हिपेटाइटिस इंक्लूडिंग हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। यानी इनको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, बी, सी, डी, ई में क्लासिफाई किया गया है, जो एक वायरल जिसे कहना चाहिए कि डिसीज होती है और जो डायरेक्टली लिवर पर अटैक करती है। ए डिफरेंट वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टाइप ऑफ वायरली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस। जैसा कि जैसे आपको बताया कि ए, बी, सी, डी, तो इनके लिए जो ये वायरल की कैटेगरी है वो लिवर को अटैक करती है। हेपेटाइटिस ए इज ऑलवेज एक्यूट शॉर्ट टर्म डिसीज। हेपेटाइटिस ए जो है वो एक्यूट एंड शॉर्ट टर्म डिसीज है, यानी इस पर लिवर से रिलेटेड थोड़ी बीमारी होती है और यदि आप उसका ट्रीटमेंट दें तो वो सही हो जाती है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी आर मोस्ट लाइकली टू बिकम ऑनगोइंग एंड क्रोनिक। हेपेटाइटिस बी, सी, डी जो है ये काफी लंबे समय तक चलती हैं और यदि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये क्रॉनिक हो जाती है और लिवर को काफी डैमेज पहुंचा देती है। हेपेटाइटिस ई इज यूजली एक्यूट बट कैन बी पर्टिकुलरली डेंजरस इन प्रेग्नेंट वुमेन। हेपेटाइटिस ई जो है वो एक्यूट है और जनरली ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है यदि उस दौरान इन्फेक्शन हो जाता है तो ये डेंजरस भी हो सकता है। इसी स्लाइड में आगे देखते हैं। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाई इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस ए वायरस। यानी जैसा इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है, हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है या उत्पन्न होता है। दिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाई कंज्यूमिंग फूड और वाटर कंटेमिनेटेड बाई फीसेस फ्रॉम पर्सन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए। इसका कहने का मतलब ये है कि जनरली जहां अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं
और वहां कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस ए है और वाटर अगर कंटामिनेटेड है विशेष तौर से, और दूसरे लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको होने की, उसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। मोस्टली ये अनहाइजीनिक जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ पर इसके फैलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टियस बॉडी फ्लूड्स, जैसा कि इसके ये दूसरे क्लास का वायरस है, और जो बॉडी फ्लूड होता है उसके थ्रू इसके फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सच एज ब्लड, वेजाइनल सीक्रेशंस, सीमन कंटेनिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो बॉडी फ्लूड्स हैं इसमें बताया गया है, इनके द्वारा ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंजेक्शंस, ड्रग यूज, हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर और शेयरिंग ब्लेजर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ गेटिंग हेपेटाइटिस बी। जैसे मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी है, तो उसका ब्लड है, सीमन है, या दूसरी चीजें हैं जो बॉडी फ्लूड में आती हैं, तो उनके द्वारा अगर वो कहीं किसी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उनसे फैलने के चांसेस रहते हैं। और जैसे आप रेजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, आप यू आर नॉट नोइंग बट अनोइंगली पर्सन इज इन्फेक्टेड एंड यू हैव शेयर्ड हिज रेजर, और इस तरह की कोई चीजें हैं जो, तो उससे भी फैलने के चांसेस रहते हैं। इट इज एस्टिमेटेड बाई द सीडीसी ट्रस्टेड दैट द 1.2 मिलियन पीपुल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड 350 मिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड लिव विद द क्रोनिक डिजीज। देखिए ऐसा होता है कि ये एक सेंटर है जिसने ये स्टडी की है, कि ये यूएस का डेटा दिया है उन्होंने, कि करीब करीब जिसे कहना चाहिए कि 12-14 लाख लोग यूएस में हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं, दे आर नॉट नोइंग बट दे आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, जो भी कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे अभी आपको मैंने वाई ए और बी के बारे में बताया, और 350 मिलियन पीपल पूरे, ये एक बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन इतने लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं। हेपेटाइटिस सी कम्स फ्रॉम द हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस की जो कैटेगरी है उससे आता है। हेपेटाइटिस सी इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लू, टिपिकली थ्रू इंजेक्शन ड्रग, यूज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एंड इज अमंग द मोस्ट कॉमन ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के डेटा है। तो अगर आप ये देखें, ये भी ब्लड फ्लूड के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस डी ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस डी इज सीरियस लिवर डिजीज कॉज्ड बाई हेपेटाइटिस डी वायरस, इज ए कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। हेपेटाइटिस डी इज ए रेयर फॉर्म हेपेटाइटिस दैट ओनली अकर इन कंजक्शन विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ये काफी सीरियस और डेंजरस इन्फेक्शन है और ये सीधे ब्लड के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाता है। द हेपेटाइटिस डी इज वायरस कांट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, इट इज वेरी अनकॉमन इन द यूएस। ये जो है हेपेटाइटिस बी के इन कॉलो जिसे कहना चाहिए कि उसके साथ फैलता है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता यदि हेपेटाइटिस बी नहीं है इन्फेक्शन, यानी अगर हेपेटाइटिस बी होगा तभी डी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आखिरी जो आता है हेपेटाइटिस ई, इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ई वायरस, ये कैटेगरी है जिसको ई नाम दिया गया है। हेपेटाइटिस ई इज मेनली फाउंड इन एरिया विद पुअर सैनिटेशन एंड टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम इंजेस्टिंग फीकल मैटर दैट कंटामिनेट द वाटर सप्लाई। जैसा मैंने आपको बताया, ये भी इसका जो इन्फेक्शन है, जो पुअर जैसे कहना चाहिए अनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग रहते हैं, और फीकल मटेरियल के द्वारा जो पर्सन इन्फेक्टेड है और वो वाटर में अगर वो चला जाता है, तो उससे फैलने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस डिसीज इज अनकॉमन इन द यूएस, ये यूएस में अनकॉमन है। इसका कारण सिंपली ये है कि वहाँ जो जिसे कहना चाहिए लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, और जो वाटर वगैरह है वो इससे इन्फेक्टेड नहीं होता है, जैसा मैंने आपको कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ बेटर है। हाउ आर केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ई आर बीन रिपोर्टेड इन द मिडल ईस्ट, एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, जैसे जैसे कहना चाहिए मिडिल ईस्ट है, एशिया है,
तो वहां पर अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लोगों का इतना अच्छा नहीं है, और हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है, तो इससे इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, यानी जो नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस है, जो इन्फेक्शन के द्वारा लिवर खराब नहीं होता या उसकी बीमारी नहीं होती है, इसमें नॉन इन्फेक्टियस उसको बोलते हैं। यानी जो उसमें जो लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो इन वायरस के अतिरिक्त भी हो सकती हैं जो नॉन इन्फेक्टियस होती है। तो उसके क्या कारण है? सबसे पहला वाला कारण जो है वो है एल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं और लगातार उसका, जैसे कहना चाहिए कि ज्यादा शराब पीते चले जाते हैं, अच्छा खाना पीना नहीं खाते हैं और कुछ टॉक्सिन्स लेते हैं, ऐसे लोगों को जिसे कहना चाहिए कि लिवर से रिलेटेड डिसीजेस हो जाती है, तो ये जो कैटेगरी है वो नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कैटेगरी में आता है। एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन कैन कॉज लिवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। जैसे बहुत ज्यादा, जैसे मैं ऊपर बताया मैंने कि बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए शराब पीना वो लिवर को डैमेज कर सकता है, और कभी कभी ये लिवर सिरोसिस में भी जिसे कहना चाहिए रिजल्ट कर जाता है। दिस इज ए समटाइम्स रेफर्ड एल्कोहल हेपेटाइटिस, यानी एल्कोहलिक है नेचुरली, जैसे एल्कोहल से कॉज हो रहा है तो उसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। द एल्कोहल डायरेक्ट इंजर द सेल्स ऑफ योर लिवर, एल्कोहल डायरेक्टली जो है लिवर सेल को डैमेज करता है। ओवर टाइम इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज एंड लीड टू द लिवर फेलियर एंड लिवर सिरोसिस। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिवर फेल भी कर सकता है लिवर को, और जिस इस कंडीशन को लिवर सिरोसिस भी कह सकते हैं। थिकनिंग एंड स्कारिंग ऑफ द लिवर, यानी लिवर काफी थिक हो जाता है, बढ़ जाता है, और डॉक्टर जो है बाहर से ही फील करके बता देता है कि ये आदमी लिवर की बीमारी से सफर कर रहा है। अदर टॉक्सिक कॉजेस हेपेटाइटिस इंक्लूड ओवर यूज ऑफ ओवर डोज ऑफ मेडिकेशन। जैसे कई बार कुछ लोगों को मेडिसिन खामखा खाने की आदत होती है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि भाई अंडर मेडिकल सुपरविजन आपको ये मेडिसिन्स लेनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप ही उन मेडिसिन्स को लेते रहते हैं, तो इससे वो एक तरह से टॉक्सिक वो हो जाती हैं और लिवर को डैमेज करती हैं। ऑटो इम्यून कॉजेज, ये मैंने आपको बताया, इन सम केसेस द ऑटो इम्यून द इम्यून सिस्टम मिस्टेक द लिवर एज ए हार्मफुल ऑब्जेक्ट एंड बिगिन टू अटैक इट। जैसे ये रेयर एक तरह से डिसीज होती है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, कि आपका इम्यून सिस्टम आपके लिवर को ही डैमेज करने लगता है, जो कि एंटीबॉडीज पैदा करता है और वो लिवर पर अटैक करते हैं। इट कॉजेज ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ऑफन हिंडरिंग द लिवर फंक्शन। और कई बार ये माइल्ड होता है और कभी कभी ये बहुत सीवियर भी हो जाता है। इट इज द 3 times मोर कॉमन इन वुमेन इन देन इन मैन, यानी ये लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को अगर लिवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जैसे फैटीग है, फ्लू लाइक फैटीग मीन्स वो थकान फील करता है, ही डज नॉट फील इनर्जेटिक, खाना खाने के बाद भी, सुबह उठने के बाद भी वो जो है एक तरह से उसको थकान देती है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्लू में होते हैं, डार्क यूरिन होता है, यानी उसका जो यूरिन है वो डार्क हो जाता है, पेल स्टूल होता है, पीले कलर का होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द सा रहता है हमेशा, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी वेट लॉस को होने लगता है और उसका कोई कारण अगर वो खुद फील करता है तो नजर नहीं आता, येलो स्किन एंड आइज विच मे बी साइन ऑफ जॉइंडिस। और जॉइंडिस में नॉर्मली ये जो लिवर से रिलेटेड ही डिसीज है, हेपेटाइटिस से रिलेटेड ही डिसीज है, तो आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस डेवलप स्लोली, सो दी साइंस एंड सिम्टम्स मे बी टू सटल टू नोटिस। ये क्या है, जब क्रोनिक कंडीशन होती है तो वो स्लोली डेवलप होती है, तो नॉर्मली आदमी उसको नोटिस नहीं कर पाता। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। डायग्नोसिस मतलब उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम, यानी किसी भी व्यक्ति का जब वो डॉक्टर के पास जाता है या फिजिशियन के पास जाता है, तो वो उसकी हिस्ट्री और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, डॉक्टर करता है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि वो अल्कोहल तो नहीं ले रहा है या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले रहा है जो कि टॉक्सिक है और लंबे समय तक तो नहीं ले रहा है, तो इससे हिस्ट्री से पता चल। फिजिकल एग्जामिनेशन से उसको
वो डॉक्टर देखता है और उसके बाद उससे कुछ आइडिया लगाता है। टू डायग्नोस हेपेटाइटिस फर्स्ट योर डॉक्टर विल टेक योर हिस्ट्री टू डिटरमाइन एंड रिस्क फैक्टर यू मे हैव और इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, यानी वो हिस्ट्री से पता लगा लेगा जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन योर डॉक्टर मे प्रेस डाउन जेंटली ऑफ योर एबडोमिन टू सी देर इज अ पेन और टेंडरनेस, यानी वो आपके इधर साइड से पेन उसको पेट को दबा कर देखेगा और उसको दबाने पर आपको पेन तो नहीं हो रहा है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है ना, कड़ापन तो नहीं है। योर डॉक्टर मे ऑल्सो फील टू सी योर लिवर इज एनलार्ज, ऐसा तो नहीं है आपका लिवर बड़ा तो नहीं है ना। वो डॉक्टर जो है अगर इनलार्ज है तो उसको पता चल जाएगा। इफ योर स्किन और आईज आर येलो, यदि आपकी आंखें जो है पीली है, स्किन भी पीली हो रही है, तो यही डॉक्टर पता लगा लेगा। योर डॉक्टर विल नोट दिस ड्यूरिंग दिस एग्जाम। तो यानी ये फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ मेथड है और कुछ इसके इंडिकेशंस हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट, इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज लैंग्वेज में LFT भी कहते हैं, जैसे किडनी फंक्शन को KFT कहते हैं, लिवर फंक्शन को LFT कहते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट इसका जो पूरा जैसे फुल फॉर्म है, लिवर फंक्शन टेस्ट आर टेस्ट यूज ब्लड सैंपल्स टू डिटरमाइन हाउ एफिशिएंटली योर लिवर वर्क, यानी लिवर से रिलेटेड कुछ जैसे कहना चाहिए टेस्ट होते हैं जिससे कि पता चल जाता है इफ दे आर एबनॉर्मल, तो ये पता चल जाएगा कि लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एबनॉर्मल रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट मे बी फर्स्ट इंडिकेशन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, स्पेशली इफ यू डोंट शो एनी साइन एंड फिजिकल एग्जाम ऑफ लिवर डिसीज, यदि आपके कोई साइन नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर डॉक्टर फिर क्या करेगा कि आपके ये टेस्ट को जैसे कहना चाहिए लिखेगा और वहां आप पैथोलॉजी लैब में करा के आएंगे। इफ दे आर एबनॉर्मल तो फिर डॉक्टर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। हाई फीवर एंजाइम लेवल मे इंडिकेट दैट योर लिवर इज स्ट्रेस डैमेज और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जैसे हाई जैसे कहना चाहिए कि जैसे जो एंजाइम्स हैं लिवर के यदि वो ज्यादा आ रहे हैं तो वो जो है इसका मतलब आपके लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। अदर ब्लड टेस्ट ये डायग्नोसिस में ही आते हैं और ये क्रमशः जैसे कहना चाहिए एक सीक्वेंस मैनर में डॉक्टर इनको फॉलो करता है। इफ योर लिवर फंक्शन टेस्ट आर एबनॉर्मल योर डॉक्टर विल लाइकली ऑर्डर अदर ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, और यदि आपका लिवर फंक्शन टेस्ट जो है अगर अब एबनॉर्मल आ रहे हैं तो वो और भी आपके कुछ टेस्ट और रिकमेंड करेंगे जो कि डायरेक्टली जैसे कहना चाहिए वो लिवर से ही रिलेटेड होते हैं और उनकी एबनॉर्मलिटी लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर के फंक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। दिस टेस्ट कैन चेक फॉर द वायरस दैट कॉज हेपेटाइटिस, इसमें से जो कुछ है उनमें वायरस का डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक फॉर एंटीबॉडीज दैट आर कॉमन इन कंडीशन लाइक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, और कुछ एंटीबॉडी के जो टेस्ट हैं जैसे आपको बताया ऑटोइम्यून डिसीज या इस तरह की, तो उसमें ये टेस्ट जो है पैथोलॉजिस्ट को बता दिए जाते हैं कि ये दिस टेस्ट कर लीजिए जिससे कि स्पेसिफिकली उसका कॉज पता चल सके। डायग्नोसिस वाई अल्ट्रासाउंड, एन एबडोमिनल अल्ट्रासाउंड यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द ऑर्गन विद इन योर एबडोमिन, दिस टेस्ट अलाउ योर डॉक्टर टू टेक क्लोज एट योर लिवर एंड नियर बाई ऑर्गन इट कैन दे बी। अल्ट्रासाउंड से क्या है कि आपके उस ऑर्गन और सराउंडिंग ऑर्गन्स की एक पिक्चर बन जाती है अगर उसको फोकस करके किया जाए, कि उससे ये पता चल जाता है कि लिवर का जो वो है उसकी इमेज कैसी आ रही है। तो फ्लूड इन योर लिवर एबडोमिन यानी फ्लूड इन योर एबडोमिन, उसमें कहीं आपके पेट में पानी तो नहीं भरा है। लिवर डैमेज और एनलार्जमेंट, इससे ये पता चलता है कि लिवर डैमेज है या उस लिवर का साइज बढ़ तो नहीं गया है। लिवर ट्यूमर यानी लिवर का ट्यूमर तो नहीं हो गया है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ योर गॉल ब्लडर, गॉल ब्लडर जो होता है एक ऑर्गन होता है तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। समटाइम्स द पेंक्रियास शो अप अल्ट्रासाउंड इमेजेस एज वेल, और पेंक्रियास की जो एक ग्लैंड होती है ये एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो भी इमेज दिखाई देती है। दिस कैन बी यूजफुल टेस्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ योर एबनॉर्मल लिवर फंक्शन, और जिससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई एबनॉर्मल फंक्शन है लिवर का, तो ये अल्ट्रासाउंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है। लिवर बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऑर्गन जैसे कहना चाहिए जैसा हम जानते हैं कि ऑर्गन जो होता है वो टिश्यूज का बना होता है और टिश्यू जो है सेल्स के बने होते हैं, तो यदि हम पिन हेड टिश्यू लेकर और उस में जो सेल्स का
हिस्टो आर्किटेक्चर देखते हैं, यदि उनमें एबनॉर्मलिटी होती है तो ये पता चल जाता है कि उस टिश्यू में या उस ऑर्गन में डैमेज हो चुका है, और यदि वो नॉर्मल सेल्स शो करते हैं तो ये कहते हैं कि वो ऑर्गन नॉर्मल है। तो ये इसको इंग्लिश में मैंने यही लिखा है कि लिवर बायोप्सी इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व योर डॉक्टर टेकिंग ए सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम योर लिवर। टिपिकली एन अल्ट्रासाउंड इज यूज टू गाइड योर डॉक्टर व्हेन टेकिंग द बायोप्सी सैंपल। जैसे इसको लिया जाता है, एक टिश्यू पिन हेड साइज का टिश्यू को निकाला जाता है, इन्वेसिव प्रोसेस है और निडिल के द्वारा, और उसको फिर आगे प्रोसेस करके और लिवर जो सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं उनके बारे में माइक्रोस्कोप से ये पता लगाया जाता है वेदर दे आर नॉर्मल और एबनॉर्मल या वो सब नॉर्मल। दिस टेस्ट अलाउ योर डॉक्टर टू डिटरमाइन हाउ इन्फेक्शन और इन्फ्लेशन हैज अफेक्टेड योर लिवर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सैंपल एनी एरिया इन योर लिवर दैट अपीयर एबनॉर्मल। यानी लिवर कहीं फैल गया है, बड़ा हो गया है, तो दूसरे ऑर्गन को भी पता चल जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो गया है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी कैन ऑफन लीड टू मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यानी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, एक जनरल है ये, बिकॉज द वायरस अफेक्ट द लिवर। पीपल विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी एट रिस्क फॉर क्रोनिक लिवर डिसीज। लिवर से रिलेटेड डिसीज अंडरस्टूड है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर यानी काफ़ी डैमेज हो चुका है। इसमें इसी कंटिन्यूशन में हम देखें किडनी फेलियर भी हो सकता है, हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी हो सकता है, यानी उसके जो हिस्टो आर्किटेक्चर है उसमें भी जो एक जिसे कहना चाहिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, विच कैन इन्वॉल्व फैटिक, मेमोरी लॉस, डिमिनिश्ड मेंटल एबिलिटीज, जैसे थकान महसूस होगा जो मैं आपको पहले बताया, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, मेंटल एबिलिटीज जो है वो भी उसकी वीक हो जाती है ना, लाइक अमोनिया दैट अफेक्ट ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी उससे रिलेटेड जैसे कहना चाहिए कार्सिनोमिक कंडीशन भी हो सकती है जो कि एक लिवर फॉर्म का कैंसर है, और डेथ भी हो सकती है। पीपल विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी आर एनकरेज टू अवॉइड एल्कोहल। यानी जिनको हेपेटाइटिस बी एंड सी है उनसे डॉक्टर जनरली ये एडवाइस करते हैं कि आप शराब ना पिए, अल्कोहल मींस शराब ना पिए, बिकॉज इट कैन एक्सेलरेट लिवर डिसीज एंड फेलियर। यानी वो लिवर डिसीज को और बढ़ा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से जिसे कहना चाहिए कि वो ड्रंकार्ड होते हैं, तो वो उनको काफ़ी सालों बाद लिवर की डिसीज शुरू हो जाती है और डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप शराब नहीं पिए, अदरवाइज आपका लिवर फेल हो जाएगा और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द डेथ। सर्टेन सप्लीमेंट एंड मेडिकेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट लिवर फंक्शन। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं मेडिसिन के तौर पे कुछ लोग ले लेते हैं विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस और जो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बिना, वो भी लिवर को अफेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी चेक विद योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी न्यू मेडिकेशन। यानी किसी को अगर मान लीजिए क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी है तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें और उससे जो उसकी एडवाइस है वो उसको फॉलो करें। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी में लिवर कैंसर, जैसे हमने बताया अगर बहुत सीरियस हो जाता है, व्हेन योर लिवर स्टॉप फंक्शनिंग नॉर्मली लिवर फेलियर कैन अकर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर फेलियर इंक्लूड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है कहीं भी, ए बिल्डअप ऑफ फ्लूड इन योर एब्डोमेन, एब्डोमेन में जो है पानी भर जाता है नोन एज एसाइटिस, and increase blood pressure in portal vein that enter your liver known as portal hypertension। यानी इसे कहना चाहिए सामान्य भाषा में blood pressure भी increase हो सकता है। ये कुछ मैंने आपको images दिखाई हैं, जैसे first image में देख रहे हैं, first है, second वाली जो image है ये normal liver, healthy liver को दिखा रही है। देख रहे हैं आप कितना जैसे कहना चाहिए कि अच्छा liver दिखाई दे रहा है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिवर जो है बहुत स्ट्रांग ऑर्गन होता है, जब तक आप इसको बहुत ज़्यादा एब्यूज़ नहीं करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल या दूसरे जो चीज़ें आगे पिछली स्लाइड्स में आपको बताई हैं, तब तक ये डैमेज नहीं होता या कोई वायरस इन्फेक्शन ना हो। तो ये एक हेल्दी लिवर की इमेजेस। बाकी जो इमेजेस हैं, जो फोर इमेजेस दिए हैं, मिडिल में बिल्कुल हेल्दी लिवर है, बाकी जो फोर इमेजेस हैं ये जिसे कहना चाहिए लिवर डिसीज से रिलेटेड है और डैमेज लिवर से रिलेटेड है। तो आज मैंने आपको, चूंकि अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको मैंने दो जैसे कहना चाहिए कि वीडियोस में बनाया है, तो
आज मैंने आपको ये बताया कि लिवर जो हेपेट लिवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का जो बहुत सारे फंक्शन करता है, और हेपेटाइटिस जो लिवर से रिलेटेड बीमारी है और जो वायरस से भी जनित है, जो वायरस के द्वारा भी होती हैं, तो उसके लिवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लिवर के फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको, और उसके डायग्नोसिस क्या है, यानी जो हेपेटाइटिस किसी को हो गया जो कि ए बी सी डी जो हमने ई और डिस्कस किया है, तो उसके बाद जो उसके टी जिसे कहना चाहिए डायग्नोसिस कैसे किया जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो ट्रीटमेंट के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच।